तीन प्रकार के संसार में लोग होते हैं, एक वो जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक दूसरे वो तुम करो या मत करो पर वो अच्छे लोग हैं, प्रेम करेंगे ही करेंगे, दो। और तीसरे वो हैं तुम करो या मत करो हमको करना ही नहीं है। प्रभु आप कौन से हो? कलाकार शिरोमणि। गोपियों ने सोचा कि हम जो बोल रहे हैं ना, देखे कैसे बोलेगा, उत्तर क्या देगा। अपनी समग्र बाग कला को, बाग कौशल को समेट करके गोपियों ने जो प्रश्न किया, मन में ये सोचा कि उत्तर तो कुछ मिलना नहीं है, पर भगवान कृष्ण तो जितने धरती पर अधिवक्ता हुए ना, जितने बागमी हैं, उन सबके सरदार हैं। भगवान को जितनी चतुरता से अपनी बात कहनी और अपनी बात मनवानी आती है, उतनी चतुरता से किसी को नहीं आती। उन्होंने कहा देखो सुनो मेरी बात, अरे देवियों जो प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं ना, उन पर भरोसा मत करना, वो तो बहुत मतलबी होते हैं। आपने अपनी कार हमको दी तो हम आपको अपनी कार देंगे, और आप कार नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। तुम हमारे काम आओगे तो हम तुम्हारे काम आएंगे, और तुम हमारे काम नहीं आए तो हम भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार है। पैसा दोगे तो सामान मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थी कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा। ऐसे लोग स्वार्थी होते, इन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना देवी, सावधान। पहले नंबर वाले ठीक नहीं होते। दूसरे बोले भजन भजन्ति अभजतो ये वही करुणा पितरो यथा। दूसरी कोटि के लोग तो माता पिता होते हैं, सदगुरु होते हैं। बालक कितने भी प्रतिकूल हो जाए, हमारी संतानें कितना भी उल्टा चलने लग जाए, फिर भी माता पिता बेचारे मोह की जंजीर में जकड़े हुए, आसक्ति की दलदल में फंसे हुए, हाय पुत्री हाय पुत्र, हाय बेटी हाय बेटा। वो सुने या ना सुने पर सुनाने के लिए हम तैयार, वो माने या न माने हम मनवाने के लिए तैयार, वो अनुशासन स्वीकार करें ना करें पर हम उनकी चिंता में रात दिन घुलने के लिए तैयार है। प्रभु उनकी रक्षा करना। ये जो दूसरी कोटि के हैं, ये तो माता पिता हैं, और ये माता पिता जो हैं धर्मो निरपवादोत्र सौहृदंच सुमध्यमा। देवी ये तो बेचारे त्याग के लिए ही बने, और वो अभागे हैं, वो संसार के देहाभिमान में डूबे हुए, अवस्था के अभिमान में पड़े हुए वो अभागे हैं, जो भगवान की कृपा से प्राप्त माता पिता बुजुर्गों के अनुशासन में नहीं रहना चाहते। अरे भला बताओ, दुनिया में कोई तो बुद्धि होगी ना ये पता करने वाली कि कौन हमारा हितैषी है कौन हितैषी नहीं है। इस संसार में कोई तो विचारवान व्यक्ति सोचे कि हमारा बुरा करने वाला कौन और अच्छा करने वाला कौन है। धरती पर कोई भी कुछ भी कर सकता हो करे, पर हमारा दृढ़ विश्वास है कि माता पिता कभी भी अपनी संतान के प्रतिकूल नहीं हो सकते। हमारे घर के बड़े बूढ़े हमको अनुपयोगी लगते हो, अनावश्यक लगते हो, और ऐसा लगता हो कि बहुत जबरदस्ती इंटरफेयर बहुत करते हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि घर में कोई बड़ा बूढ़ा है। जिनको बड़े बूढ़े प्राप्त नहीं है, जिनको घर में अभिभावक प्राप्त नहीं है, आप उनके मन के दर्द देखना, कोई पैर छूने वाला ही नहीं बचा। किसको प्रणाम करें, किसका डर बैठा है हमारे मन में। ये घर के दरवाजे पर बैठे हैं ना, तो सैकड़ों प्रकार की विपत्तियों से हमारी सुरक्षा हो रही है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता के नाम पर अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करने वाली नई पीढ़ी, उसे पता नहीं कितने घोर भयानक भयावह अंधकार से अच्छन्न गर्त में हम गिर रहे हैं। इसलिए निर्णय कर लो कि भाई ये बड़े जो बैठे हैं, जो अनुशासन करना चाहते हैं, हमारे हित में है कि नहीं। और यदि हमारे हित में है तो फिर भगवान की कृपा मानो, प्रसाद मानो। ये ऐसा अनुशासन है, ये ऐसा बंधन है जो कभी हमको पतित नहीं होने देगा। जब तक डोर पंख, जब तक पतंग की डोर किसी के हाथ में है, तब तक वो उड़ान उड़ती जाएगी पर कटी हुई पतंग कहाँ जाएगी।
कटी हुई पतंग के जैसी स्वच्छंदता चाहने वाली नई पीढ़ी बड़े बड़े खतरनाक मार्ग पर भटकती है। मैं निवेदन करूं, जो बड़े हैं उनको भी सावधान होना चाहिए, थोड़ा गंभीर होना चाहिए। जब बालक बड़े हो जाए तो आंखों से कम देखो, कानों से कम सुनो और जीभ से तो कम से कम बोलो। ये मंत्र यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया, कम देखना, कम सुनना और कम बोलना, तो सैकड़ों प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने मन में अपने आप हो जाए। उम्र के साथ में बहुत कुछ बदलता है, समय बदलता है, जीवन जीने के ढंग बदलते हैं, साधन बदलते हैं, इसलिए नई पीढ़ी पर बहुत अधिक अपने समय के जो अनुशासन के मापदंड हैं उनको थोपने की चेष्टा ना करें। पर मैं फिर निवेदन करूं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको आंखें रखने वाले, जिनको डांटने वाले प्राप्त हैं। इनके आशीष में उतना सामर्थ्य है कि आपके जीवन में आने वाली सैकड़ों विपत्तियां इनके आशीष के कवच के सामने निष्प्रभावी हो जाए। पुण्य कमाओ, आशीर्वाद कमाओ, इनकी सेवा करके अपने जीवन को आनंदित बनाओ। वृंदावन बिहारी लाल की।